है ये बीजेपी की सरकार जिस तरह से पूरे देश में नफरत की राजनीति चला रही है, समाज में एक बंटवारा पैदा करना चाहती है और महिलाओं के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो इस देश का संविधान है जिसमें लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्रीय किसी भी स्तर पर भेदभाव की मनाही है, सबको बराबरी का अधिकार है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार इस संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक में किस तरह से स्कूल जाने वाली जो मुस्लिम छात्राएं हैं उनको हिजाब पहनने से रोक दिया गया और एक छात्रा जो हिजाब पहनकर जा रही थी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको सैकड़ों लड़कों ने चारों तरफ से घेर करके, जो उन्होंने सफरन गमछा पहना हुआ था, उस लड़की के साथ बदसलूकी की। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आज स्कूली बच्चों को, कॉलेज के छात्रों को बीजेपी की जो पूरी हिंदुत्ववादी राजनीति है इसने छात्रों के भीतर किस तरह से घृणा का भाव भरा है, उनको उग्र बना रहा है और हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है उस धर्मनिरपेक्ष ताना बाना को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये बहुत दुखद है कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपवा ये मानता है कि इस देश में रहने वाली हम तमाम महिलाएं, चाहे वो किसी जाति की हो, किसी क्षेत्र की हो, किसी धर्म की हो, हम सभी एक हैं। हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे सामने जो भूखमरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महिला उत्पीड़न की समस्या है, इन समस्याओं से सरकार ध्यान भटाने के लिए लगातार इस तरह की कोशिश कर रही है। इसलिए आपवा ये मांग करता है कि कर्नाटक ने जिस तरीके से हिजाब के मामले को एक सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया गया है, वहाँ ये मुस्लिम छात्राओं को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित करने की ये कोशिश है। इसलिए हमारी मांग है कि छात्राएं, क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म से मिलता हुआ पहन रही हैं हिजाब, सिख बच्चे जो हैं वो सिर पे पगड़ी बांधते हैं, आज तक कभी नहीं रोका गया किसी को, तो ये धार्मिक पहचान को इस तरीके से रोक करके दरअसल वो शिक्षा से वंचित करना चाह रहे हैं। जो दूसरी बात है कि असम में पिछले दफा भी बीजेपी की सरकार थी और इस बार फिर बीजेपी की सरकार हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ आकर जो पता चला कि यहाँ बहुत सारे जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं या गरीब परिवार के बच्चे हैं वो दूसरों के घर में रहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो स्कूल जा सकें, वो दूसरे के घर में नौकर की तरह काम करते हैं, नौकरानी की तरह काम करती हैं लड़कियां सिर्फ इसलिए कि वो स्कूल पहुंच सके। तो ये जो शिक्षा की हालत है, बीजेपी इतना दावा करती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में ये सरकार लगातार विफल है और यहाँ पर बच्चों की शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, जबकि हम लोगों की मांग है कि खास तौर पे लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त की जाए। ये सरकार अभी लड़कियों की विवाह का उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन अगर लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलेगी, स्कूल कॉलेज जाने की सुविधा नहीं होगी तो बाल विवाह नहीं रुक सकता है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि केजी से पीजी तक छात्राओं की शिक्षा मुफ्त हो। और इसके साथ साथ असम में पिछले दिनों लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, यहाँ पर जिस तरह से एनकाउंटर सामने आ रहा है ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति चल रही है, और इसलिए इसके खिलाफ एपवा पूरे असम में कैंपेन चलाएगा और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में पूरे असम की महिलाएं इकट्ठी होंगी और ये बीजेपी की जो महिला उत्पीड़न की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, उसके खिलाफ एक बड़ा कॉल हम वहाँ से देंगे। बाकी बहुत सारे विषय पर हमारी तिवारी दांगी धोरी से গতিকে সেইবিলাকেই আছে, যিহেতু আমি প্ৰেছ নোট দিছোঁ, এই প্ৰেছ নোটতে প্ৰায় কথাখিনি সোমাই আছে, মই এইখিনি অলপ গাই দিম, এতিয়া মানে বহলাই কোৱা নহয় প্ৰয়োজন নহ'ব। সদৌ ভাৰত প্ৰগতিৰ নাৰী সন্থাই আই কয় অহা ইংৰাজী 8 মাৰ্চ তাৰ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ দিনটোত
ৰাজ্যিক ভিত্তিত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত অসমত বিশেষকৈ নাৰী সমাজে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া কৰিছে। বৰ্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মহিলাসকলক প্ৰতাৰণাৰ লগতে জীৱন জীৱিকা প্ৰশ্নত সমাধান কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলক শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডক যি ধৰণৰ বিকাশ ঘটাব লাগিছিল সেয়া হৈ উঠা নাই। অসমত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ আহিছে কিন্তু পিছপৰা দুখীয়া আৰু পাহাৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ অহাৰ নামত লোকৰ ঘৰত বন কৰা শ্ৰমিক হিচাপে থাকিবলগীয়া কৰাটো উন্নয়নৰ আচল স্বৰূপ দোহাই দিছে। নহ'লে কেতিয়াও সুমিলা ৰহাপীৰ দৰে ঘটনাৰ সন্মুখীন নহ'লহেঁতেন। এনেকৈ নাবালিকা আৰু মহিলাসকলক বলাৎকাৰ কৰি হত্যা কৰা, অপহৰণ আৰু যৌতুক হত্যা ঘটনাই অসমত দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা ঘটনাক আই পুৱাই কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আৰু ন্যায় পোৱাৰ দাবী জনাওঁ। ছোৱালীৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কেজিৰ পৰা পিজিলৈকে বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিন্তু কৰ্ণাটকত কলেজীয়া মুছলিম ছাত্ৰীয়ে হিজাব পৰিধান কৰাকে লৈ যি দেশজোৰা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ই ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ পৰিপন্থী। এয়া বিজেপিৰ বিভাজনকামী আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বাহিৰে অন্য একো নহয়। স্বাস্থ্যখণ্ডত হোৱা দুৰ্নীতি আৰু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যি পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা দিব লাগিছে সেয়া চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ অধীনত জীৱন জীৱিকা প্ৰশ্নত আশা, অংগনৱাড়ী, মিড ডে মিল জীৱিকা সখীসকলক তেওঁলোকক ৰাজনৈতিক ভোটৰ অংকতহে নিয়োজিত কৰিছে। স্কিম কৰ্মী যেনে পিছল আশা, অংগনৱাড়ী, মিড ডে মিলসকলক মাননি অতি নগণ্য। তেওঁলোকক সুলভ মূল্যৰ শ্ৰমিক হিচাপে শ্ৰম গ্ৰহণ কৰা বন্ধ কৰিব লাগে আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত কৰিব লাগে। কোভিড কালত মহিলাসকল ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি বহু সমস্যাত ভুগিছিল। বিশেষকৈ ঋণ পৰিশোধৰ নামত চলা হাৰাশাস্তি আৰু লুণ্ঠনৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগত চৰকাৰে ঋণ পৰিশোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও ই কাৰ্যকৰী হৈ নুঠিল। বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই ঋণ মাফৰ পৰা বিৰত থকাৰ স্থিতিহে গ্ৰহণ কৰে যাৰ বাবে মহিলাসকল বিবাহত পৰিছে। আমি দাবী জনাওঁ ঋণমুক্ত হোৱা কোনো মহিলা এদিনৰ বাবেও অন্য ঋণ গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰিব। যিহেতু চৰকাৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকে ক্ৰাইটেৰিয়া ঠিক কৰিছিল আমি সেই বিৰোধিতা কৰিছোঁ। শেহতীয়াভাৱে অসমত এনকাউণ্টাৰ আৰু মুক্ত হত্যাৰ প্ৰৱণতাই বাৰুকৈ গণতান্ত্ৰিক প্ৰেমী ৰাইজক শংকিত কৰি পেলাইছে। অসামাজিক কাৰ্য ৰোধ কৰাৰ নামত চলা ভুৱা এনকাউণ্টাৰ, বিশেষকৈ নগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াত কীৰ্তিকমল বৰাৰ গুলিওৱা আৰু দুদিন আগত জাগীৰোডত নিৰি দুখীয়া খৰিকটীয়া বৰসিং কিশোৰ গুলিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিওঁ আৰু এই ঘটনাসমূহৰ ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগিব বুলি সংবাদ মাধ্যমযোগে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আছে বহুত যিবিলাক নেকি